कारण जो है वो सीरियस कंडीशन में है, उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में लाया गया है। क्या ये पूरा मामला है ये भी जानेंगे। डिग्री रद्द करनी चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी बनती थी। बिल्कुल पोल पे चढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरा मसला क्या हुआ? मेरा भाई है छोटा 11 KV का काम कर रहा था और जेई ने बत्ती लगाई। ये मैं खुद कहूंगा कि इस जेई ने बत्ती लगाई। इस जेई की बहुत लापरवाही। लाइनमैन थे, खंबे पे चढ़े हुए। हाँ, खंबे पे चढ़ा हुआ था। लाइनमैन था बेचारा, डेली बेजर। जब कोई मरता है तो डेली बेजर। तो जब जे पे लेने आते हैं लाख लाख रुपए तो वो परमानेंट। अभी उनकी हालत कैसी बताएं? बहुत गंभीर है। मेरा भाई बच जाए तो मैं सारी दुनिया से दुआ करूंगा कि मेरा भाई बच जाए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रजिंद्रपुरा के रहने वाले हैं, ब्रैक्ट बगुना। तो जे दिन रात काम करता था बेचारा, लाइनमैन था। तो अभी तक भी जेई या डबलई या एक्सियन हमारे पास नहीं पहुंचा है। हम जेही मीडिया से कहेंगे कि इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मसला क्या हुआ था? बिजली खराब हो गई थी, वो खंबे पे बिजली। हाँ, वो बिजली खराब थी तो उसको जेई ने फोन किया कि गुरुदास जी आप खंबे पे चढ़ो और बत्ती ठीक करो। और उससे बत्ती पीछे से कैसे लग गई? अगर जेई ने कट करवाया, खराब थी तो बत्ती लगी कैसे? हाँ, यही तो हम पूछना चाहते हैं मीडिया से कि अगर बत्ती खराब थी तो पीछे से आ कैसे गई? इस जेई की नलायकी है। साथ में जो पावर उसमें लाभ का है लगाओ कि जेई ने कितने बजे शटडाउन लिया, अभी तक शटडाउन क्लियर कर पाया। वो बुरी हालत में है, समझ नहीं पा रहे हैं कि जो हुआ है वो क्या है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर इस समय। आप भी ये बात मानते हैं कि जो गलती है वो जेई की है? हाँ, मैं खुद कहूँगा जो भी गलती है वो जेई की है और जेई की नलायकी है। 10:11 जेई साहब नहीं उठा रहे। पहले मैं बोल रहे भाई तेरे पे छोड़ा, जो अगर लेना है बाहर ले जाओ। पता नहीं कहाँ छोड़ा उन्होंने, उसके पास भी ठीक करने किसी और मोहल्ले में गए थे। नहीं नहीं, जो भाई को हमारे को करंट लगा उसका फोन ऑटो में रह गया था। अभी उसका फोन में किसी ने डिलीट किया होगा कुछ भी, उसकी बातें जो जेबी हो गई। बच्चा इनका घर में बेहोश है, उसको मैंने 3-4 दिन पहले यही से डिस्चार्ज करवाया। मैम कैसे चुप करूं? बहुत तकलीफ होती है अपने भाई की। डॉक्टर ने क्या? अभी घर से आ रही हूँ। अभी क्रिटिकल है। जेई से आपने बात नहीं की? उससे सवाल नहीं पूछा? हमने नहीं बात की, AW ने नहीं बात की, AE ने बात नहीं की। और जो जेई इसमें इन्वॉल्व है उसी की वजह से पहले भी 15 दिन पहले एक केस हुआ, एक लड़के बिट्टू नाम का लड़का है, उसकी डेथ हुई है। और इसको ना किट थी ना कुछ था और इसने इसको ऊपर चढ़ाया है और वो बंदा हॉस्पिटल तक नहीं आया इसको छोड़ने के लिए। और देखो कितनी लापरवाही है। माना कि एक्सीडेंट हो गया, आपका फर्ज बनता है कि आप हॉस्पिटल में आओ, बच्चे फैमिली के साथ मिलो, फैमिली को जो आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए। जब काम करना है तो डेली वेजर, ठीक है, तो जब काम नहीं करना है तो परमानेंट वाले। 75,000 हमारा डेली वेजर। और मैं आपको एक और बताता हूँ, बुलाया मैं वो भी बताता हूँ। 2011 में इनके घर में ऑलरेडी एक ऐसा केस हो चुका है, कुछ है बुलाया। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, बताइए। ठीक है जी, उसका पूरा वो पूरा टोटल डिसेबलमेंट हो गया और इनके लिए कोई डिसेबिलिटी की तो जैसे भी है वो निकला। जेई ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, ए ने निभाई, AW। अब जी MD साहब से बात हुई हमारी और MD साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी पूरी टीम आएगी, लेकिन अभी तक पहुंचा कोई आदमी ठीक अभी तक आया कोई नहीं। और मैं जे हमारा ये है कि इस बंदे को जो फिट ही नहीं है उधर छट गए, मतलब शटडाउन लिया हुआ तो बंदा मर गया। तो इसको पूछे फिर तू क्या कर रहा था उधर बैठ के? और कितने परिवार उजाड़ने हैं और हमारी सरकारें, हमारे अफसोस है जो बंदे जीत के भी गए हैं, जो सरकार है वो अपनी लूट में मची हुई है, वो जम्मू को लूट रही है। तो इन लोगों का, दिल्ली बेचने का ध्यान कहाँ जाएगा? के लिए परमानेंट का प्रोविजन है, मतलब वो बंदा मर जाए। यानी कि वो समझते हैं उनकी जान की कोई कीमत। अगर कीमत होती तो आज आपके सामने सारे होते। भाई भी तो झुलसे हुए हैं पहले। उसका भाई है, पूरा परिवार उसका बिजली में है, उसके भाई ये आप देखो 2011 में जब गिरा तो बांस का डंडा होता है, मतलब उस डंडे से इसको नीचे गिराया गया लोगों ने। तो मतलब महकमे का मतलब डिपार्टमेंट पूछो, 3 महीने इधर रहा जे बंदा तो पूछने नहीं आया। कोई नहीं पूछने आया। और महकमे ने यहाँ तक नहीं है कि चल यार बंदे तू अभी तो कंडम हो गया, हमें सेवा दी है, ठीक है, लोगों की बिजली जरूरी है या उसकी मुलाजिम की जान जरूरी है?
तो जब आपने काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को ही इनके लिए कुछ सोचना चाहिए। जो तस्वीरें आपने देखी हैं दिल दिला देने वाली, हम जरूर दुआ करेंगे उनके लिए जो अंदर सीरियस कंडीशन में है, ताकि जो है हम जरूर दुआ करेंगे उन्हें भी जल्द से जल्द ठीक।